नमस्ते दोस्तों, मम्मी किचन में आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने किचन में नए रेसिपी लेकर के आए हैं। तो देखिए, इधर हम बैंगन, छोटा छोटा बैंगन ले लिए हैं, इसे कट करेंगे। इसको देखिए हम क्या बनाएंगे। इसका सब बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए, इसे हम बीच से चार कट कर लेंगे, इसे छोटे छोटे इसी तरह से। इसका जो डाँटी है उस सबको हम निकाल लेंगे बैंगन का, और इसी तरह हम सारा बैंगन को कट कर लेंगे। और इसे हम अच्छे से पानी में धो लेंगे। तो देखिए, हमने सबको कट कर लिए, सबका डंठल हटा दिए हैं। अब हम इसे छान लेंगे। तो अब यहाँ हमने मसाला तैयार कर लिया है। एक फुट लहसुन है, जीरा है, गोल मिर्च है, लाल मर्चा है, धनिया है। इस सबको हम मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे। अच्छे से महीन पीसना है। और सरसों बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हमने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिए हैं, गर्म हो गया। उसमें मेथी दाना डाल दिए हैं फ़ौरन में। उसके बाद हमने बैंगन को गोल गोल डाल करके इसे हम अच्छे से पहले नमक डाल करके भून लेंगे। इसमें नमक डाल के इसे हम अच्छे से भून लेंगे। जब भुना जाएगा तो इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसे भून लिए हैं, क्योंकि नमक नहीं डालेंगे तो एक कड़ा रह जाता है, उसके बाद ग्रेवी में नहीं पकेगा। इसलिए हम पहले नमक इसमें थोड़ा डाल के इसे भून लेंगे। तो चलिए, अब इसे कढ़ाई में हम बनाएंगे। तो यहाँ हमने फ़ौरन लिए हैं, दालचीनी है, गोल मिर्च है, जीरा है, बड़ा इलायची है, दो लाल मिर्चा है, तेज पत्ता है। इस सबको डाल के हम इसको पहले भूनेंगे। उसके बाद हमने इसमें अदरक डाल दिए हैं घिस करके, इसे हम अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हमने प्याज को डाले हैं। उसके बाद प्याज में ये सब हम जो मसाला पीस करके रखे थे उस मसाला को ऐड कर दिए हैं। यहाँ हमने हल्दी पाउडर डाले हैं, नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्चा का पाउडर डालेंगे और इस सबको हम भूनेंगे। उसके बाद हमने इसमें टमाटर चॉप करके रखे थे उसको हम डाल देंगे इसमें। अभी सबको हम अच्छे से इस मसाला को भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच इसमें दही डालेंगे। देखिए, इसी तरह हम इसमें दही डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो यहाँ हमने मसाला अच्छे से भूनेंगे। जब तेल छोड़ने लगेगा तो समझ जाइए कि मसाला भून गया है। तो अब हमारा मसाला यहाँ भून करके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी अपने हिसाब से डालना है, आप कितना ग्रेवी रखिएगा। तो चलिए, यहाँ हमने पानी डाल दिए हैं। जब पानी डाल दिए हैं तो जो बैंगन हमने भूंज करके रखे थे उस बैंगन को अब इसमें हम डालेंगे और इसे हम अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि आधा बैंगन तो पक गया है। अब इसमें आधा ही इसे पकाना है और अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें, तो देखिए, यहाँ हमने कस्तूरी मेथी डाल देंगे। इससे इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इससे हम ढक लेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए, यहाँ पक गया है, सब्जी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।